वक्फ बोर्ड कैसे किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेता है, इन तीन केस स्टडी से समझिए। गुजरात में एक पैटर्न देखने में आया है कि लोग किसी की भी जमीन पर अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा लेते हैं। आइए अब आपको तीन केस स्टडी से समझाते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड किसी अवैध कब्जे को कानूनन वैध बना देता है। लोग किसी की भी जमीन पर अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है, जहां आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए बिल में 40 संशोधन किए गए हैं। वहीं विपक्ष ने वक्फ बोर्ड बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाने की मांग की है, यानी अगर आम सहमति नहीं बनी तो फिर सरकार सेलेक्ट कमेटी को बिल भेज सकती है। बता दें कि कानून में बदलाव से किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का वक्फ बोर्ड का अधिकार खत्म हो जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी को कोर्ट में चैलेंज करने का रास्ता खुलेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर को दिए जाएंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की छूट होगी। वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे हो सकेगा और दान का फैसला सिर्फ कानूनी मालिक ले पाएगा। आइए अब आपको इन तीन केस स्टडी से समझाते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड किसी अवैध कब्जे को कानूनन वैध बना देता है। केस स्टडी नंबर एक, देवभूमि द्वारका। गुजरात में एक पैटर्न ये भी देखने में आया है कि लोग किसी की भी जमीन पर अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा लेते हैं। ऐसा ही किस्सा देवभूमि द्वारका जिले के नवादरा गाँव में स्थित इस हाजी मस्तान दरगाह का भी है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पर रामी बेन भीमा और रामसी भाई भीमा के नाम पर दर्ज खेती की जमीन के एक भाग पर 40-50 साल पहले एक छोटी सी मजार बना दी गई, जिसका विरोध भी हुआ पर श्रद्धा के नाम पर मामला दब गया। बाद में एक ट्रस्ट खड़ा करके उस पर दरगाह का निर्माण करवाकर उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा लिया। हैरानी की बात तो ये है कि खेती की इस जमीन को निर्माण से पहले नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में परिवर्तित भी नहीं किया गया। साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी इस जमीन में दरगाह के होने का जिक्र तक नहीं है, लेकिन वक्फ एक्ट में नोटिफाई होने की वजह से अब इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाई है। अभी एक साल पहले ही नवादरा गांव में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था, पर उस समय भी पास ही में बनी इस हाजी मस्तान की दरगाह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये वक्फ द्वारा नोटिफाइड थी। वक्फ एक्ट के हिसाब से अब इस जमीन के असली मालिक ये साबित करने में लगे हैं कि जमीन पर वक्फ के अधीन ट्रस्ट का अवैध कब्जा है। बदलता ट्रेंड। गुजरात के द्वारका और जामनगर जिलों में दो साल पहले द्वारका में हुई डिमोलिशन की कार्रवाई की वजह से पिछले दो सालों में इन जिलों में कई ट्रस्ट द्वारा फटाफट वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी प्रॉपर्टीज को नोटिफाई करवाने का एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आया है। इसकी वजह से द्वारका और जामनगर जिलों में अब कुल 341 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिनमें से 199 जामनगर और 142 द्वारका जिलों में है। करीब 500 एप्लीकेशन अभी राज्य वक्फ बोर्ड में पेंडिंग पड़ी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द्वारका में जहां जहां भी डिमोलिशन किया गया वहां वक्फ बोर्ड द्वारा नोटिफाइड प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चला, भले ही उसकी वैधता सवालों के दायरे में हो। इसी वजह से इन कोस्टल इलाकों में अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्टर करवाने की होड़ लग गई है। लोग जमीन पर निर्माण के बाद उसे वक्फ बोर्ड द्वारा नोटिफाई करवा लेते हैं। केस स्टडी नंबर दो, जामनगर। जामनगर के दरबारगढ़ में स्थित रतन बाई मस्जिद मार्केट की कहानी इस बात की गवाह है कि कैसे कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में नोटिफाई होने के बाद उसका संचालन करने वाले ट्रस्ट उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। रतनबाई मस्जिद में ये मार्केट करीब 100 साल से अस्तित्व में है, जहां इन दुकानदारों के पुरखों ने ये दुकानें ली थी और बाद में जुम्मा मस्जिद कमेटी के अधीन इस मस्जिद के आने के बाद भाड़ा चिट्ठी के तहत ये दुकानें चला रहे हैं। सालों तक ये प्रक्रिया यूं ही चलती रही, लेकिन 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन के बाद इस ट्रस्ट द्वारा पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ